Hello students, today our topic is computer networks, and this is unit 3 of his levels, and in this lecture we are going to discuss topologies. Okay. In our previous lecture, we already covered network devices and types of network. So, abhi ये हमारा जैसा आप जानते हैं रिविजन वीडियो चल रहा है इसमें हम वो टॉपिक कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और लास्ट ईयर जो पूछे जा चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, अभी तक हमने कवर किया लैन लैंडमैन वैन तो लैन लैंडमैन वैन से हमेशा एक क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क इसी तरीके से नेटवर्किंग डिवाइसेस में मैंने कल बताया था आपको हब हाँ और स्विच इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस आ जाता है लिखने के लिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर डेफिनेटली आएंगे भी वो हम बाद में कवर करेंगे और एक गेट भी इम्पॉर्टेंट है इसके और मॉडल भी कई बार पूछा जा चुका है रिपीटर आउटर जनरली नहीं पूछे जाते एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये डेफिनेशन uh, चांसेस कम है बट सिर्फ फाइव टॉपिक्स हैं तो आपको या तो सभी करना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डेफिनेशन देखना है आपको डायग्राम भी दिमाग में रखना है उसको और ये भी है कि, कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और क्या फंक्शनैलिटी उसकी एग्जैक्ट वो याद रखना है क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में जब क्वेश्चन उस तरीके से पूछा जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि यहाँ आप कौन सी नेटवर्क डिवाइस यूज़ करोगे तो जब तक आपको एग्जैक्टली exactly नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे वहाँ पर और उसमें सिर्फ एक वर्ड ही लिखना होता है क्वेश्चन बहुत आसान भी होता है बहुत मुश्किल भी आसान इसलिए क्योंकि आंसर आपको अगर लिखना है तो सिर्फ वन वर्ड का जो आंसर होगा वही होगा और फुल मार्क्स मिलेंगे आपको अपने कॉन्सेप्ट को सही से समझाएं जैसे किस नेटवर्क डिवाइसेस का क्या रोल है वो तो आपको पता अच्छी तरीके से तो मुश्किल इस सेंस में है क्योंकि वो वहाँ पर आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा ये नहीं पूछेगा वट इज़ मॉडर्न वाट इज़ द रोल ऑफ हब इस तरीके से नहीं पूछेगा तो आप थोड़ा बहुत सही लिख के भी उसमें नहीं जा सकते फुल मार्क्स के लिए क्लियर आपको एक्जैक्ट पता होना चाहिए वहाँ के क्या रोल होता है इसका नेटवर्किंग डिवाइसेस का तो ये सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस डिवाइस ऑलरेडी कवर्ड हो चुकी हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में और वहाँ हमने कुछ टॉपलॉजी भी डिस्कस की थी बस टोपोलॉजी को डिस्कस किया था स्टार टोपोलॉजी और ट्री टॉपोलॉजी मैस्टोपलॉजी रिंग टोपलॉजी डिस्कस नहीं हुई थी रिंग टोपोलॉजी सिलेबस में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको समझना होगा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया इन फोर पर तो फोकस रखना ही है स्टार बस टी और मैश और इसके साथ साथ मैं आपको रिंग टॉपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा हाइब्रिड कोई अलग से टॉपोलॉजी नहीं है बल्कि दो सी दो तीन ये जितने भी दे रखे हैं टू टू थ्री टोपोलॉजी इनका मिक्सचर है आपका तो वही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी कहलाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चनस पूछे जाएंगे ये डेफिनेट है क्वेश्चन अगेन टू टाइप्स के बनते हैं एक तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और एक सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी थ्योरिकल पार्ट डिस्कस हो रहा है हमारा जो रिवीजन टेस्ट होने वाला है उसके अकॉर्डिंग और जो जब ये कवर हो जाएगा इसका अथॉर्टी के टोटली डिस्कस हो जाएगा तो उसके बाद हम डिटेल में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे इसके तो जहाँ तो क्वेश्चन की बात आती है तो क्वेश्चन में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें से थोड़ा सा कम है और इसमें जो पूछा जाता है जनरली वो टोपोलॉजी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से जैसे स्टार टोपोलॉजी के बारे में लिखने को आ सकता है बस टोपोलॉजी के बारे में आ सकता है और कभी कभी कंपेरिजन आ जाता है कि स्टार टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी से कैसे बेहतर है या क्या एडवांटेज है स्टार का बस के कंपैरिजन में या दोनों में क्या डिफरेंस है तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें क्या है कि आपको दोनों की दोनों का कंपैरिजन करना होता है दो टोपोलॉजीज का और डायग्राम के साथ मेंशन करना होगा आपको एक तरफ टेबल और फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा और कितने मार्क्स आए ये भी डिपेंड करता है अगर सपोज टू या थ्री मार्क्स आया क्वेश्चन है तो कम से कम फोर से फाइव पॉइंट्स होने चाहिए उसके अंदर क्लियर है कभी कभी ऐसा होता है किसी पॉइंट्स को बहुत अच्छे एक्सप्लेन नहीं कर पाते और हो सकता है उसमें मार्क्स ना मिले और हम एडिशनल एक पॉइंट लेके चल रहे हैं थ्री मार्क्स क्वेश्चन के लिए थ्री पॉइंट सफिशिएंट होते हैं लेकिन अगर हम एडिशनल कुछ पॉइंट्स लेके चल रहे हैं तो मार्क्स जो कट होने की पॉसिबिलिटी होती है वो नहीं रहती और टेबल फॉर्म में क्या होता है कि वन बाई वन का कंपेरिजन होता है तो आसानी से समझने में भी उसे समझना समझना भी आसान होता है समझाना भी आसान होता है तो ये भी आप ध्यान रखिएगा तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा इसमें मोस्ट पॉबल जो क्वेश्चन बनेगा स्टार्ट बस टोपोलॉजी ट्री और मैच में वो सिंपल uh, क्वेश्चन बनेगा या फिर एक कंपैरिजन पूछा जा सकता है डिफरेंस करने को डिफरेंश करने को आ सकता है कि बस और इस्टार कैसे अलग है इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है तो वो भी आपको याद रखना है रेवेन्यूज़ का जितना पार्ट है इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट यू आर एल डब्ल्यू 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 वेब ई मेल चैट वी आई पी ये जितने टॉपिक्स हैं इसको हम कल के वीडियो में कवर करेंगे ये यूनिट फाइव पार्ट्स में डिवाइड की गई है और जो सर्टेनिटी है एग्जाम में पूछे जाने की वो ऊपर के जो थ्री टॉपिक्स हैं उनकी डेफिनेट है वो आना ही है लैंडमैन वैन एग्जाम में आना है विदाउट एनी डाउट आप लिख लीजिए इसको ये पूछा जाएगा ही ठीक है इसी तरीके से नेटवर्किंग डिवाइसिस में कोई भी एक नेटवर्क डिवाइस एटलीस्ट लिखने को एग्ज़ाम में आ सकती है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट भी हो सकती है ठीक है इसी तरीके से लैंडमैन वैन एप्लीकेशन क्वेश्चन का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का भी पार्ट हो सकता है और अलग से भी लिखने को आ सकता है ठीक है और टोपोलॉजी भी एग्जाम में फोर टोपोलॉजी में से एटलीस्ट आपको एक टोपोलॉजी के बारे में लिखने को एग्जाम में डेफिनेटली मिलने वाला है जहाँ तक फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है इंटरग्रेशन टू तो इंटरनेट और द वेबसाइट तो इसमें ये बात याद रखिएगा कि इसमें बहुत कुछ ज़्यादा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें वन मार्क का क्वेश्चन बनेगा फॉर एग्जाम्पल कुकीज़ के बारे में लिखने को आ सकता है डेफिनेशन पूछी जा सकती है कुकीज़ की टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं मैंशन नहीं आला कि सिलेबस में लेकिन पूछे जा सकते हैं इसी तरीके से यू आर एल के बारे में आ सकता है डिफाइन करने के लिए डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में आ सकता है ई मेल के बारे में आ सकता है ई मेल में भी सी सी बी सी सी के बीच में क्या डिफरेंस है कार्बन कॉपी और ब्लैंड कार्बन कॉपी के बीच में क्या डिफरेंस है वी ओ आई पी के बारे में आ सकता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में आ सकता है इसको हम डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में आ, लेकिन यहाँ जो पॉइंट्स हैं वो सीधे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बनते हैं उसमें कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कोई न्यूमेरिकल का तो चांस ही नहीं है उसमें तो वो सिर्फ याद करना है आपको ही और वन मार्क का क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी नहीं बनते जहाँ तक ये फोर और फिफ्थ की बात करें तो हम क्लियर है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है आपका नेटवर्क डिवाइसेस कंप्लीट हो चुका है आपका क्लियर अब टोपोलॉजी चल रहा था आपका और टोपोलॉजीज में अभी हम देखेंगे ये चलिए टोपोलॉजीज है आपकी तो सिलेबस में जो दे रखा है टोपोलॉजीज में बस दे रखा है क्लियर है स्टार दे रखा है मैथ दे रखा है और आई थिंक टी दे रखा है ये फोर टोपोलॉजीज दे रखी हैं आपकी रिंग नहीं दे रखा ना ही हाइब्रिड दे रखा है मेंशन नहीं है पर पढ़ के जाइएगा इसको एग्जाम में और आसानी समझना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे पहले टोपोलॉजी क्या है ये समझ लीजिए इसका एक पार्ट पिछली लास्ट वीडियो में हम इसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे बस टोपोलॉजी को एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिविज़न करा देता हूँ इसका कि टोपोलॉजी क्या है टोपोलॉजी नेटवर्क का स्ट्रक्चर कहलाता है नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं देखिए जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो ये तो ऑबियस है कि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट करने की कंप्यूटर आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्ट किए जा सकते हैं क्लियर ये तो पॉइंट ही है दूसरा ये है टोपोलॉजी और तो उसका कोई एक मेथड नहीं है वो एक से ज़्यादा तरीके से कनेक्ट किया जा सकते हैं तो उसी को हम टोपोलॉजी बोलते हैं तो नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली उसी को हम टोपोलॉजी बोलते हैं तो टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क्स of how all the components are interconnected to each other, network के कंपोनेंट्स आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्ट कर रहे हैं इसी को टोपोलॉजी बोला जाता है आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको चलिए आगे चलते हैं तो बस टोपोलॉजी के बारे में क्या था बस टोपोलॉजी बिल्कुल एक सिंपल टोपोलॉजी थी जिसमें एक केबल होती है जिसे हम बोल बैकबोन को एक्सल केबल बोलते हैं और इसके दोनों एंड पर डिफरेंट नोट्स को कनेक्ट कर दिया जाता है जिस नोट के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं उसे तो ड्रॉप लाइन बोलते हैं डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये वन वे होती है आपका सिर्फ वन डायरेक्शनल होती है इसमें इसमें जो डेटा ट्रेवल करेगा एक यूनिट डायरेक्शन में होगा बाई डायरेक्शन में नहीं होगा दोनों तरफ नहीं ट्रैवल कर सकता क्लियर है और सबसे सिंपल होता है इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि कहीं भी अगर केबल में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ की आती है किसी भी पॉइंट पर तो जो टोटल नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा उस केस में बैकबोन केबल में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो तो नेटवर्क नहीं हो पाएगा आपका इस्टेब्लिश उसके इसमें तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे आई थिंक बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है बात करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी तो देखिए ये रिंग टोपोलॉजी है और अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये बस टोपोलॉजी का ही एडवांस वर्ज़न है तो कुछ गलत नहीं हुआ मैं बताता हूँ क्यों इसके अगर आप दोनों एंड्स को कम्बाइंड कर दें तो एक रिंग बन जाएगी क्लियर है तो ये एक रिंग टोपोलॉजी है जिसमें एंड्स कनेक्टेड होते हैं तो इसी को हम रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं और इसमें जो एक कंप्यूटर होगा या एक नोड होगी वो टू नाइबरिंग नोड से इंटरकनेक्टेड होगी ये देखिए कोई भी देख लीजिए आप टू नाइबरिंग इंटर नोड से इंटरकनेक्टेड होगी तो उसी को हम रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं सो इन दिस टोपोलॉजी इट फॉर्म्स ए रिंग कनेक्टिंग अ डिवाइस विद इट्स एग्जैक्टली टू नाइबरिंग डिवाइस तो उसमें कोई भी आपकी डिवाइस होती है नोड होती है कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क का पार्ट होता है वो अपनी टू नाइबरिंग डिवाइसेज से कनेक्ट होती है इंटरकनेक्ट होती है इसलिए इसे रिंग टोपोलॉजी बोला जाता है रिंग की फॉर्म बनती है और एग्जैक्टली टू नाइबरिंग डिवाइसेज से इंटरकनेक्ट होती है ना कम ना ज़्यादा इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं तो इससे क्या एडवांटेज मिलेगा ये भी हमको समझना है तो रिंग टोपोलॉजी लाइक ए बस टोपोलॉजी ये बस टोपोलॉजी की ही तरह है बट विथ कनेक्टेड एंड्स पर इसके जो एंड्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से ये समझना है आपको ठीक है द नोट्स दैट रिसीव द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोट तो जो एक नोट जो मैसेज रिसीव करेगी जैसे इस नोट ने मैसेज रिसीव किया तो ये नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड कर देगी नेक्स्ट नोट को द डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शनल इट इज़ यूनी डायरेक्शनल बस टोपोलॉजी की तरह ये भी यूनी डायरेक्शनल है डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शनल में डायरेक्शन में फ्लो होता है इसमें तो ये इसकी एक लिमिटेशन भी है द डेटा फ्लोज इन अ सिंगल लूप कंटिन्यूसली नोन एज अ एंडलेस लूप तो ये एक लूप में ट्रेवल करती है इस तरीके से जिसे एंडलेस लूप बोला जाएगा ठीक है डेटा इस तरीके से ट्रेवल होता है इट हैज नो टर्मिनेटेड एंड इसका कोई टर्मिनेटेड एंड नहीं है लाइक बस्टी बस्टी के अंदर था इसमें अंदर कोई टर्मिनेटेड एंड नहीं है ईच नोट इज कनेक्टेड टू अदर नोट एंड हैविंग नो टर्मिनल पॉइंट्स तो एक नोट जो है दूसरी नोट से इंटर कनेक्टेड है और उसका कोई टर्मिनेशन पॉइंट भी नहीं है और अब डेटा कैसे फ़्लो होता है ये भी समझना है डेटा हमेशा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में फ़्लो होता है जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ठीक है एंटी क्लॉक वाइज नहीं यूनिक डायरेक्शन तो हमको पता ही है लेकिन इसमें भी अब ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा तो दो या तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला पॉइंट तो ये कि ये जो रिंग टॉपलॉजी है इसमें नाइबरिंग जो नोट्स होती हैं वो एग्जैक्टली टू होती कोई एंड नहीं होता इसका एंडलेस लूप के अंदर इसमें डेटा ट्रेवल करता है दोनों एंड्स इंटरकनेक्टेड होते हैं यूनी होता है और डेटा क्लॉक डायरेक्शन में मूव करता है ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में रिंग टोपोलॉजी के जो आपको आई थिंक अभी क्लियर हो चुका होगा तो अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्या है कि किस तरीके से डेटा पास होता है तो इसमें एक कॉमन मेथड है एक्सेस मेथड है उसको बोलते हैं टोकन पासिंग टोकन पासिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इसके अंदर तो टोकन पासिंग क्या इट इज़ ए नेटवर्क एक्सेस मेथड इन विच टोकन एक ए पास फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोट तो ये नेटवर्क एक्सेस करने का एक मेथड है टोकन uh, पासिंग जिसमें एक टोकन पास होता है एक नोट से दूसरे नोट की तरफ टोकन अपने आप में क्या है टोकन एक एक्चुअली फ्रेम है जो नेटवर्क में सर्कुलेट होता है क्लियर है अभी काम कैसे करता है टोकन नेटवर्क में मूव करता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब तक मूव करेगा जब तक ये अपनी डेस्टिनेशन पर ना पहुंच जाए फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ए टोकिन मूव्स अराउंड द नेटवर्क एंड इट पास फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अनटिल इट रीचिज द डेस्टिनेशन तो फर्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट है द सेंडर मॉडिफाइज द टोकि बाय पुटिंग द एड्रेस अलॉन्ग विद द डेटा तो सेंडर क्या काम करता है सेंडर टोकिन को मॉडिफाई करता है और इसके अंदर ठीक है डेटा के साथ उसका एड्रेस डेस्टिनेशन का एड्रेस पुट कर देता है इसके अंदर ठीक है तो ये टोकन बेसिकली क्या टोकन एक फ्रेम है और इस फ्रेम के अंदर डेटा तो है ही जो सेंड करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर एक नोट से दूसरे नोट पर और साथ में इसमें उस डेस्टिनेशन का भी एड्रेस है जहाँ डेटा को भेजना है और ये आपका डेटा कब तक पास होता रहेगा द डेटा इज पास फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस अंटिल द डेस्टिनेशन एड्रेस मैचिज वंस द टोकन रिसीव बाई द डेस्टिनेशन डिवाइस दैन द एक्नोलॉज टू द सेंडर तो डेटा तब तो तक पास होता रहता था जब तक कि ये डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता एक बार पहुंचने के बाद डेस्टिनेशन डिवाइस जो होगी वो एक्नोलिजमेंट भेजेगी सेंडर को कि उसे डेटा रिसीव हो गया है so, सो इन्हें रिंग टोपोलॉजी टॉपलॉजी टोकन इज यूज एज अ कैरियर तो हम रिंग टोपोलॉजी में ऐसे कह सकते हैं कि टोकन एक कैरियर की तरह से काम करता है डेटा को ले जाता है तो जिस डिवाइस से या जिस नोट से हमें डेटा को सेंड करना होता है उस वो डिवाइस टोकन को एक्सेस करती है उसको उसके अंदर डेटा के साथ साथ उसका एड्रेस डेस्टिनेशन का एड्रेस पुट करती है और उसे फॉरवर्ड करती है आगे और डेस्टिनेशन तक वो जब डेस्टिनेशन जब तक वो नहीं पहुंच जाता तब तक वो फॉरवर्ड होता रहता है टोकन एक बार उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद डेस्टिनेशन टोकन रिसीव करने के बाद मैसेज भेजता है एक्नोलिजमेंट भेजता है कि उसे डेटा मिल चुका है आपका तो ये प्रोसेस होता है टोकन पासिंग का और ये एक ही डायरेशन मूव करता दोनों डायरेक्शन में नहीं यूनिडायरेक्शनल होता है वो भी क्लॉकवाइज तो ये वर्किंग ऑफ अ टोकन पासिंग था यहाँ दे रखा है अ टोकन मूव्स अराउंड द नेटवर्क एंड इट इज पास फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट रीच इज डेस्टिनेशन ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं द सेंडर द सेंडर मॉडिफाइ द टोकन बाय पुटिंग द एड्रेस एलॉन्ग विद द डेटा द डेटा इज पास फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस अंटिल द डेस्टिनेशन एड्रेस मैचिज मैचिज वंस अ टोकन रिसीव बाईस इट सेंड द सेंडम टू द सेंडर एंड इन द रिंग टोपोलॉजी टोकन इज एज अ कैरियर तो ये फोर पॉइंट्स हैं अब आपको समझ में आ चुका हो टोकन पासिंग का क्या कॉन्सेप्ट है टोकन के अंदर डेटा और डेस्टिनेशन का एड्रेस दोनों रहता है सेंडर आ, नोड आपका इसके अंदर इसको आगे पास करती है और डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद डेस्टिनेशन इसको रिसीव करता है और एक्नोलमेंट भेजता है जब तक ये डेस्टिनेशन में नहीं पहुँच जाता टोकन तब तक ये फॉरवर्ड होता रहता है क्लियर है और ये टोकन एक्चुअली एक कैरियर की तरह वर्क करता है तो ये इसकी फंक्शनिंग थी क्या एडवांटेज इसे एक तो इंस्टॉल करना ईजी है और इसमें डिवाइस को रिमूव करना बहुत आसान है और ऐड करना भी बहुत आसान है क्योंकि इसमें टू लिंक्स होते हैं तो हमें सिर्फ वो चेंज करना होता है बाकी हम किसी भी डिवाइस को आसानी से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है अगर लिंक फेल हो गया तो कंप्यूटर जो एंटा नेटवर्क है वो भी फेल हो जाएगा क्योंकि कोई फिर सिग्नल आगे पास ही नहीं होगा फेलर की वजह से और डेटा ट्रैफिक इशू की यहाँ तक बात है सिंस ऑल द डेटा इज़ सर्कुलेटिंग इन रिंग तो इसके अंदर डेटा ट्रैफिक इशू रहता है क्योंकि एक ही डेटा रिंग के अंदर सर्कुलेट होता रहता है तो ये इसका एक बेसिक डिसएडवांटेज़ है डेटा ट्रैफिक इशू क्योंकि डेटा ट्रैवल जब तक तो होता रहेगा जब तक वो डेस्टिनेशन ना पहुंचे तो डेटा ट्रैफिक इशू रहता है इसके अंदर क्लियर है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में आगे देखते हैं स्टार टोपोलॉजी ये देखिए स्टार का साइन बना हुआ आ रहा है और ये एक सेंटर में हब है और ये आपके कंप्यूटर से नोट्स है जो कनेक्टेड है अभी सिर्फ हम डायग्राम की बात कर रहे हैं थ्योरी की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे ये आप क्लियर आइडिया दे, दे देगा कि स्टार्ट ओपलॉजी क्या है और वैसे अगर आपको कोई डायग्राम याद है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो अलग से तो आप लिख दोगे इसको किस तरीके से इसको मैंशन करना है हब क्या काम करेगा भाई हब क्या है अब एक नेटवर्क डिवाइस हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कल की वीडियो में हमने देखा भी था और टू लैंड को कनेक्ट करने के लिए लैंड के कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर ये जो कंप्यूटर्स हैं ये हब से कनेक्टेड है तो हब के थ्रू डेटा ट्रेवल करता है तो हब क्या काम करता है हब डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है तो जो यहाँ से डेटा मिलेगा वो सभी सिस्टम्स को ब्रॉडकास्ट हो जाएगा इसको भी इसको भी इसको भी ठीक है ये हब का काम होता है तो ये तो हब की रोल था हब से डिफरेंट फोर कंप्यूटर्स इस डायग्राम में कनेक्टेड है और एक सेंड से वाली इससे हम डेटा सेंड कर रहे हैं इसको तो ये आगे हब इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा ब्रॉडकास्ट करने का मतलब आगे सभी को ट्रांसफ़र कर देगा एज इट इज़ तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है डेस्टिनेशन का एड्रेस कुछ नहीं होता इसके अंदर ये आगे ब्रॉडकास्ट कर देता है लेकिन वो हमारा मकसद नहीं है यहाँ पर जानना हमारा काम है स्टार टोपोलॉजी को समझना ये स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम है आप देख पा रहे हैं सेंटर में हब है जो एक नेटवर्क डिवाइस है और उससे फोर कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड है उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्लियर है केबल के थ्रू सो इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द डिज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब थ्रू अ केबल तो जितनी भी डिवाइस होती हैं वो सभी एक केबल के थ्रू हब से कनेक्टेड होती है हब की जगह स्विच भी हो सकता है क्लियर है लेकिन हा, हाँ हब हाँ, ये स्विच से कनेक्टेड होंगी ये कन्फर्म है दिस हब इज सेंट्रल नोड एंड इट्स ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड ये सेंट्रल नोट की तरह काम करता है और सारे कंप्यूटर से नोट से कनेक्टेड होते हैं द हब कमी पैसिव अभी एक्टिव और पैसिव दोनों तरह का हो सकता है मैंने एक्टिव हब बताया था कल आपको रिपीटर की तरह काम करता है तो ये एक पैसिव हब है जो रिपीटर की तरह काम नहीं करता मतलब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है तो ये सिर्फ सिर्फ सिंपल आगे ब्रॉडकास्ट कर देगा मैसेज को आ, जैसे एक हब करता है आ, एक्टिव हब है रिपीटर्स इन दम तो एक्टिव हब में तो रिपीटर्स होता है पैसिव हब में रिपीटर नहीं होता ये आगे सिंबल ब्रॉडकास्ट कर ब्रॉडकास्ट कर देगा जो भी एक एंड से से डेटा मिलेगा एक से में ऐसे डेटा मिलेगा आपको तो स्टार टोपोलॉजी का क्या फीचर्स हैं एवरी नोड हैज़ इट्स ऑन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब सभी नोड हब से कनेक्टेड होती हैं आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं होते आपस में नोड कनेक्टेड नहीं होती सभी नोड हब से कनेक्टेड होती हैं और हब क्या काम करता है हब एज ऐसा हब रिसीव करेगा डेटा को और आगे उनको फॉरवर्ड कर देता है ठीक है तो ये एक रिपीटर की तरह काम करता है अगर एक्टिव है तो रिपीटर की तरह काम करेगा नहीं तो आगे तो ब्रॉडकास्ट तो कर ही देगा उसको कैन बी यूज विथ ट्विस्टेड पेयर ऑप्टिकल फाइबर को एक्सल केबल है उसमें केबल जो यूज़ होगी वो कौन सी केबल यूज़ होगी यहाँ कुछ भी यूज़ हो सकती है को एक्सेल भी यूज़ हो सकती है ट्विस्टेड भी यूज़ हो सकती है और आपकी आम, तो स्टिट कोएक्सेल और फाइबर ऑप्टिक्स तीनों तरीके लिए यूज़ होती हैं जनरली को एक्सेल यूज़ होती है इसके अंदर तो ये तो इसके फीचर्स थे एडवांटेज की बात करते हैं फास्ट परफॉर्मेंस है हब को अपग्रेड करना आसान है एरर है तो फाइंड करना ईज़ी है ईज़ी टू तो ट्रबल शूट ईजी टू तो सेटअप एंड मॉडिफाई मॉडिफ़ाई करना आसान है और सेटअप इस्टेबलिश करना भी आसान है इसका काफ़ी अब किसी एक नोड में प्रॉब्लम हो जाती है तो जो रेस्ट नोड है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो अभी तक रिंग टोपोलॉजी का एक बड़ा ड्रॉबैक था मान लीजिए ये लिंक या ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो ये सिर्फ कंप्यूटर से डेटा शेयर नहीं होगा बाकी और कंप्यूटर सभी हब से कनेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये अलग बात है हम में प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर आगे ब्रॉडकास्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा चलिए आगे देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है एडवांटेजेस हो गए आई थिंक डिसएडवांटेजेस देखते हैं कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ हाई एज कम्पेयर टू बस एंड्रिंग बस और रिंग की कम्पेरिजन में इसकी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन हाई होती है एक्सपेंसिव होता है इसको यूज़ करना आपको एक अलग से नेटवर्क डिवाइस लेना पड़ेगा हब स्विच ठीक है केबल ज़्यादा होगी इसके अंदर क्लियर है तो केबलिंग की जरूरत पड़ेगी इसमें बस टोपोलॉजी कंपेरिजन में तो ज़्यादा ही होगा इसमें दूसरा यह है कि इफ़ द हब फेल्स देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप्ड तो अगर हब में प्रॉब्लम हो गई तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वही बंद हो जाएगा आपका काम करना बंद कर देगा तो जो डिपेंडेंसी वो हब हाँ के ऊपर है तो परफॉर्मेंस जो इसकी बेस्ड है हब हाँ के ऊपर है और उसी की कैपेसिटी से ये डिपेंड करता है कि स्टार्ट ऑपोलॉजी क्या बिहेव कैसा बिहेवियर करती है बिहेव करती है आपका तो ये हो गया आपका अब चलिए स्टार टोपोलॉजी के बाद ट्री टोपोलॉजी तो ये डायग्राम देखिए कुछ आपको ट्री स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा ये ट्री नॉर्मल ट्री से थोड़ा अलग है अलग इसीलिए क्योंकि इसमें रूट पहले है लिफ्स बाद में है इस तरीके से ठीक है ये ट्री स्ट्रक्चर है इसको याद रखिएगा अब ये तो आप समझ ही गए होंगे इतना तो कि कंप्यूटर से आपस में इंटरकनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू अब देखिए इस लिंक में अगर कोई प्रॉब्लम होती है और मैं डेटा सेंड करना चाह रहा हूँ यहाँ से इस कंप्यूटर में तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी बिल्कुल नहीं होगी यहाँ से डेटा जाएगा यहाँ से डेटा फेस को जाएगा और फिर यहाँ से डेटा यहाँ पहुँच जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्लियर है तो बात यहाँ पर यह है कि इसमें भी वही एडवांटेज है जो स्टार टोपोलॉजी के अंदर था कि एक लिंक के ब्रेक होने से सिर्फ एक कंप्यूटर इफेक्ट करेगा बाकी कंप्यूटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सो इट हैज अ रूट नोड तो इसके अंदर एक नूट रूट नोड होता है एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू इट फॉर्मिंग ए हिरैकी तो एक हेरकी बनती है इसके अंदर ये आप देख पा रहे होंगे हेरकी बनी हुई है ठीक है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल द हेरिकल टोपोलॉजी तो हेराटिकल टोपोलॉजी भी बोला जाता है इसको तो इट शुड बी एट लीस्ट हैव थ्री लेवल्स ऑफ द हेरकी तो थ्री लेवल्स होते हैं ये लेवल वन हो गया ये लेवल टू हो गया ये लेवल थ्री हो गया तो एटलीस्ट थ्री लेवल्स तो होंगे ही होंगे जब हम ट्री टोपोलॉजी की बात करेंगे तब ठीक तो एक ये पॉइंट हो गया आपका नेक्स्ट देखते हैं इट इज ए रूट नोड एंड ऑल अदर नोड का कनेक्टेड टू फॉर्मिंग पॉइंट हो गया फीचर्स देखते हैं इसके क्या फीचर्स हैं फीचर्स ऑफ ट्री टॉपलॉजी फीचर्स क्या क्या हैं इसके आइडल इफ वर्क स्टेशन आर लोकेटेड इन ग्रुप यूज इन वाइड एरियन नेटवर्क तो ये वाइड एरियन नेटवर्क में यूज होता है पहला तो ये दूसरा पॉइंट यह है कि आइडियल इफ वर्क स्टेशन लोकेटेड इन ग्रुप अगर वर्क स्टेशन से नोड है अगर ग्रुप में है तो वहाँ उस सिचुएशन के लिए ट्री टोपोलॉजी बेस्ट है एडवांटेज देखिए ये आपका कुछ नहीं बल्कि बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों का एक्सटेंशन है ट्री टोपोलॉजी बस और स्टार दोनों को मिला दीजिए आप कमेंट कर दीजिए तो जो टोपोलॉजी निकल के आएगी वो ट्री टोपोलॉजी निकल के आएगी आप देख भी पा रहे होंगे डायग्राम में गौर से देखिए इस डायग्राम को स्टार्टोपोलॉजी को डायग्राम को देखिए ये स्टार्टोपोलॉजी और बस्टोपोलॉजी तो आप जानते ही हैं ये बस्टोपलॉजी है चलिए मैस्टोपोलॉजी की बात करते हैं तो ये मेस्टोपलॉजी का डायग्राम आई थिंक डायग्राम से समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या है मैस्टोपोलॉजी ये देखिए ये वन टू थ्री फोर फाइव फाइव नोट्स हैं आपस में सभी नोट्स इंटरकनेक्टेड हैं है ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको और एक बात जो समझ में आ रही होगी और जो डायग्राम देखने में क्लियर है हो रही है बस ये कि सभी कनेक्टेड आपस में इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है ठीक है जैसे वन से टू इंटर कनेक्टेड है वन से थ्री भी है वन से फाइव भी है वन से फोर भी है इसका क्या एडवांटेज होगा यहीं से इसका एडवांटेज निकल के आता है एडवांटेज ये होगा कि अगर कोई एक लिंक वर्क करना बंद कर कर भी देता है तब भी दूसरी नोट पर डेटा ट्रा, ट्रांसफ़र करने के हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं जैसे मान लीजिए मुझे वन से थ्री को डेटा ट्रांसफ़र करना है और ये लिंक काम नहीं करता तब भी टू के थ्री या फोर के थ्री या फाइव के थ्री डेटा को सेंड किया जा सकता है ये एक एडवांटेज रहता है और यहीं से इसका डिसएडवांटेज भी निकल के आता है डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि इसमें केबलिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है क्योंकि केबल बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ेगी केबल की क्लियर है तो ये इसका एडवांटेज है कि इसमें जो अभी तक डिसएडवांटेज चला था, आ रहा आ रहा था कि आ, जो केबल थी उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है या सेंट्रल हब है वो फेल हो जाती है तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता वो मैस्ट ऑपलॉजी में वो कॉन्सेप्ट नहीं वर्क करता है ठीक है वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है और इसी से इसमें एक डिसएडवांटेज निकल के गया था क्योंकि इसमें केबलिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो फिर केबलिंग की कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है तो इसका डिसएडवांटेज भी है तो यही में मैथ स्टॉपोलॉजी आगे चलिए पॉइंट्स देखते हैं सो द मैस्टोपोलॉजी इस डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू एवरी एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क थ्रू अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक तो डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू कनेक्टेड है फर्स्ट थिंग अब ये जो लिंक है ये कितने होंगे अगर डिवाइस एन 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 माइनस वन है ये देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और हो सकता है एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाए तो यहाँ समझ लीजिएगा बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल बनेगा बना तो और मैथ स्टॉपोलॉजी से रिलेटेड बनेगा तो अगर एन माइनस वन डिवाइसेज़ हैं तो एन माइनस वन डिवाइसिज़ हैं तो जो लिंक होंगे वो कितने होंगे वो होंगे एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू इतने लिंक होंगे देखिए ज़रा कैसे इस डायग्राम को देखिए नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं यहाँ पर काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव कितना है फाइव नंबर ऑफ लिंक्स कितना हो जाएगा एन एन वन एस यानी फाइव इंटू फोर अपॉन टू कितना हो जाएगा टेन लिंक्स हो जाएंगे काउंट कर लीजिए टेन लिंक्स टोटल टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एटर नाइन और ये टेन टेन लिंक्स हो गए तो फाइव डिवाइस कनेक्टेड है टोटल नंबर ऑफ लिंक्स टेन हो जाएंगे तो फॉर्मूला याद रखिएगा इफ नंबर ऑफ नोट्स आर एन नंबर ऑफ लिंक्स आर अपॉन टू क्लियर तो ये मेस्ट्रोपोलॉजी का क्वेश्चन बनता है आगे देखते हैं चलिए मेस्ट्रोप्लॉजी के बारे में फीचर्स देखते हैं पहले इसके फुली कनेक्टेड है रोबस्ट है फ्लेक्सिबल नहीं है बिल्कुल भी फुली कनेक्टेड होती है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से एक नोट दूसरे नोट से पूरी तरीके से कनेक्टेड है रोबस्ट है कोई प्रॉब्लम आ जाती तो तब भी डेटा सेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कोई लिंक ब्रेक हो जाता तो और एडवांटेज क्या है इसके ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ऑन लोकल लोड ऑन डेटा लोड तो सभी कनेक्शन पर अपना जो डेटा लोड होता है वो अपना खुद का होता है रोबस्ट है ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है फॉल्ट को आसानी से पता लगाया जा सकता है फॉर इट इज डायग्नोस ईजली एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी इन प्राइवेसी तो सिक्योरिटी प्राइवेसी भी प्रोवाइड कराता है डिसडवानटेज क्या है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फिकेशन इसका डिफ़िकल्ट है केबलिंग कॉस्ट ज़्यादा है और बल्ब वायर की ज़रूरत पड़ती है ये सबसे बड़ा डिसएडवान्टेज है तो ये था हमारा आज का वीडियो हम एस्टोपोलॉजी अभी कुछ ऑटोपोलॉजीज रह गई हैं आज हमने रिंग और मैच को समझा नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग टोपोलॉजीज जिसमें आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी आती है उसको समझेंगे और इसके साथ साथ कुछ टर्मोलॉजी हाइब्रिड आपके सिलेबस में नहीं है ठीक है तो ये बात भी ध्यान रखिएगा हाइब्रिड अपना कुछ टोपोलॉजी नहीं बल्कि एक से ज्यादा टोपोलॉजी का इंटरकनेक्शन है इंटर एक से ज़्यादा टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड टोपोलॉजी और कुछ टर्मोलॉजीज को पढ़ेंगे सीखेंगे आपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो